एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर किसी भी शख्स को अर्श से फर्श तक ले आने में एक मिनट नहीं लगते हैं लोगों को। और ये वही प्लेटफॉर्म है जहां पर फर्श से अर्श भी लाने में एक मिनट नहीं लगता है लोगों को। किसी भी आम आदमी को खास बना देता है ये सोशल मीडिया, और किसी भी खास शख्सियत को एक दिन के अंदर आम में बदल देता है ये सोशल मीडिया। आज के ज़माने में मीडिया से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म, जहां पर पब्लिक अपनी मन की बात भी नहीं रखती। यहाँ पर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों जमकर है। जिस तेज़ी से यहाँ सच्ची खबरें फैलने में लगती है देर, उतनी ही तेज़ी से यहाँ पर झूठी खबरें भी हो जाती हैं कई बार वायरल। किसी के बारे में एक शब्द क्या गलत कहो, हर किसी के पास पहुँच जाती है वो बात। आज इस वक्त शाहरुख खान जिस मुसीबत से डील कर रहे हैं, इस मुसीबत में बॉलीवुड इंडस्ट्री बार बार यही कहने की कोशिश कर रही है कि उनकी सिचुएशन को समझा जाए। अभी इनोसेंट है उनके बेटे, इनोसेंट टिल गिल्टी प्रूवन। जी हाँ, ये हमारे यहाँ का स्लोगन जो है भारत देश में न्याय का, इसे समझने की ज़रूरत है। जब तक वो अपराधी साबित नहीं हो जाते हैं, जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाते, तब तक उन्हें दोषी करार देना साबित होने से पहले सरासर गलत है। लेकिन सोशल मीडिया ये नहीं समझती। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद आर्यन को अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। इस साल के आर्यन खान को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है और इसका नुकसान भुगत रहा है पूरा खान परिवार। शाहरुख खान की कई बड़ी फिल्में हैं जो लंबी कतार में लगी हैं। इस बीच शाहरुख खान को जो करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि उनका ब्रांड वैल्यू गिर गया है, इसके अलावा उनकी इमेज पर पूरी तरह से असर पड़ा है। लोग इस तरह की बातें शाहरुख को लेकर कर रहे हैं, बेटे के साथ उनके रिश्ते की बात कर रहे हैं, शाहरुख के व्यवहार और उनके बेटे के संस्कार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जानते हैं आर्यन खान का ड्रग मामले से जुड़ा सोशल मीडिया पर रिएक्शन जो लोगों का आया है इस खास प्रोग्राम ट्रोलिंग सेलेब के बेहद ही स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। 30 साल लगातार काम करने के बाद शाहरुख खान ने अपना रेपुटेशन बनाया, इस दुनिया में ऐसी पहचान बनाई जो कि स्टारडम किंग के तौर पर आज लोगों के बीच हमेशा होती हैं इनकी बातें। एक शख्स जिसने 30 साल अपनी जिंदगी के सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान बनाने में लगाए, बादशाह खान किंग खान का नाम मिला शाहरुख खान को। लेकिन बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ फेम बटोरने के लिए स्ट्रगलिंग दिनों से दिन रात तक करने वाले शाहरुख खान की जिंदगी कभी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाएगी कि उनके बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार होते हुए वो देख कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो आर्यन खान को लेकर सपने में भी नहीं सोचा था शाहरुख ने। लेकिन देखिए जरा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं कहा गया है। अभी फिलहाल के लिए जो मुद्दा पूरी तरह से गरमाया है, ड्रग मामला, मुंबई क्रूज शिप की छापेमारी के बाद इसमें आर्यन खान को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। 1 वीक तहकीकात के बाद ही पता चल पाएगा आर्यन वाकई में इलीगल तरीके से ड्रग कंज्यूम कर रहे थे, ड्रग परचेज का काम कर रहे थे, या फिर आर्यन खान सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी में गलत समय में गलत जगह पर गलत सिचुएशन के बीच मुश्किलों का सामना कर बैठे, जिसके कारण आज उनकी हालत ऐसी है कि गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड में आने से पहले ही वो पब्लिक के बीच निशाने में आ गए हैं। खैर, शाहरुख खान की बात हो रही है तो आपको बता दें, अपने बेटे आर्यन को लेकर बेहद परेशान शाहरुख खान, जो कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का भी जमकर सामना करते नजर आए। क्या आपको मालूम है कि शाहरुख खान के बारे में कई तरह की बातें की जा रही हैं? सच में आपने सुना ना हो, लेकिन शाहरुख खान के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि शाहरुख अपने बच्चे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद ट्रोलिंग का जमकर सामना कर रहे हैं। यहां हम आपको बताना चाहेंगे लोग शाहरुख खान को लेकर किस तरह की बातें लिख रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, आर्यन खान को एनसीबी की कस्टडी में लिया गया है क्योंकि व्हाट्सएप चैट में इंटरनेशनल
ड्रग रैकेट के मामले में उनका लिंकअप होने को लेकर संभावनाएं जताई जा रही है। समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर है, उन्होंने खुलकर कह दिया है कि बिना किसी गलती के या फिर बिना सबूत के गिरफ्तार नहीं किया गया आर्यन खान को। इससे कुछ टाइम पहले भी काफी ज्यादा बड़े तादाद में ड्रग्स से जुड़े नशीले पदार्थ जो जितने थे सब जब्त किए गए थे। मुंबई में ऐसा ही एक मामला सुलझाया गया था, लेकिन इसे पब्लिक के सामने मीडिया ने कभी कवर करके नहीं लाया। लेकिन पब्लिक फिगर शाहरुख है, इसलिए शाहरुख के बच्चे को लेकर छोटी ही बात क्यों ना हो लोग बड़ी बना रहे हैं, मीडिया ऐसा कर रही है। लेकिन सोशल मीडिया का क्या कर रही है? मीडिया ने तो शाहरुख के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी पर हर एक मामले को पूरी तरह से सामने लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया शाहरुख खान की इमेज को कितना खराब करने पर काबी है। शाहरुख को किस तरह के नुकसान झेलने पड़ रहे हैं आर्यन खान अपने बेटे की गिरफ्तारी पर, उनका इमेज किस तरह से पूरी तरह बर्बाद हुआ है, जरा देखिए लोग किस तरह से उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आर्यन खान को लेकर एक शख्स ने लिखा, बच्चा नशा करते पकड़ा गया पुलिस से, डोंट एक्ट लाइक सब सेंट के बच्चे हैं, वैसे कुछ नहीं हुआ है। ये कहकर लोग इस तरह से किंग खान के कुछ सपोर्ट में तो कुछ किंग खान को नसीहत देते नजर आए। अगर शाहरुख ने अच्छी सलाह सीख दी होती बेटे को तो वो ऐसा नहीं करते। शाहरुख को और गौरी को ऑलरेडी मालूम था कि वो आर्यन खान ड्रग कर रहे थे, ये कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले 4 साल से आर्यन खान ड्रग मामले से जुड़े यानी कि ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं। इस तरह की बातें सामने आई। इंट्रोगेशन के दौरान उन्होंने ये कबूल किया है, ये भी कहा जा रहा है। मानिए अगर एनसीबी के ऑफिशियल्स की तो इस तरह के स्टेटमेंट आए हैं। हालांकि आर्यन के जो लॉयर हैं उन्होंने कह दिया है कि ना तो आर्यन खान पढ़ाई के अलावा किसी तरह का इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का हिस्सा थे और ना ही कोई ट्रांजेक्शन ड्रग को लेकर उन्होंने किया है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि मानने नहीं वाले सतीश माने शिंदे ने आर्यन को सपोर्ट किया है, कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन आर्यन खान को लेकर शाहरुख का सिमी ग्रेवाल के शो में ये कहना कि आर्यन वो सब करे जो शाहरुख ने मिस किया टीनेज के समय में, नशा करना, ड्रग करना, लड़कियां घुमाना, रिलेशन रखना, अफेयर रखना। वो चाहते हैं कि उनके बेटे जो हैं बैड बॉय बने, गुड बॉय बने, तो उन्हें वो घर से निकाल देंगे। ये कह दिया था शाहरुख ने कि आर्यन उनके बेटे हैं लेकिन उनके दोस्त की तरह है। शाहरुख का ये व्यवहार आर्यन को लेकर सामने आया। वैसे आपको बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में कि शाहरुख खान अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करते आए हैं, बहुत ही ज़्यादा पैम्परिंग फादर रहे हैं शाहरुख खान हमेशा से। यही नतीजा है कि सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। कुछ लोग हैं कि किंग खान को ऑलवेज किंग कह रहे हैं, लेकिन कुछ समझ रहे हैं कि वाकई में शाहरुख खान की इमेज खराब हुई है। आर्यन की गिरफ्तारी से शाहरुख को पब्लिक इमेज खराब होने का जो नुकसान झेलना पड़ा है, इसकी हम आपको बताना चाहेंगे। खास तौर पर कि शाहरुख के आमिर होने को भी लोगों ने निशाना बना लिया। वैसे आपको बता दें कि बच्चे माँ बाप को बेबस कर देते हैं, लोग भी समझ रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि शाहरुख खान को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं संस्कार नाम की भी कोई चीज़ होती है, आज अच्छे संस्कार दिए होते तो ये ना झेलना पड़ता, इस तरह लोग कह रहे हैं। आफ्टर अ सर्टेन एज यू कांट ब्लेम द पेरेंट्स, इट्स द किड्स फॉल्ट, हु ही नीड्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। कुछ लोग मानते हैं कि आर्यन की गलती की वजह से शाहरुख की इमेज पर इसका गहरा असर पड़ रहा है, उनका ब्रांड वैल्यू पूरी तरह से गिर गया है, ये भी कहा जा रहा है। उनकी आने वाली फिल्म पठान है जिसे इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि शाहरुख 3 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक कर रहे हैं, लेकिन ये कमबैक वाली उनकी बड़ी फिल्म वाकई में अब लोगों का दिल जीत पाएगी या नहीं, इससे पहले तो आपको बता दें अपने बेटे की इस मुसीबत से आर्यन को लेकर शाहरुख फंसे हैं। वैसे आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे, समीर वानखेड़े जो हैं आर्यन खान को लेकर खुलकर कह चुके हैं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर ने कि उन्हें बिना सबूत के गिरफ्तार नहीं किया गया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे लाखों की कैश रुपीज, 4 अलग प्रकार के नशीले पदार्थ जो क्रूज शिप में पाया गया था जिसे जब्त किया गया एनसीबी की टीम की तरफ से, उसके साथ आर्यन बहुत घबराए नजर आए। शाहरुख खान से मिलने को लेकर आर्यन ने कहा कि उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। फोन कॉल पर शाहरुख की आर्यन से बात हुई है, पिता और बेटे को मिलने की भी इजाजत
खुले तौर पर नहीं दी जा रही है। एनसीबी की कस्टडी में नस का खाना खा रहे हैं आर्यन खान, तो खूब रोए थे, रात भर रोए थे, ये भी कहा जा रहा है एनसीबी की तरफ से। ये भी आपको जानकारी देना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में एएसजी यानी कि अनिल सिंह, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एनसीबी की तरफ के लिए लॉयर है। उन्होंने बेल ना मिले आर्यन को इसके लिए हाई कोर्ट में नॉन बेलेबल चार्जेस की पूरी तरह से जानकारी दी। ये बताया है कि व्हाट्सएप चैट से मालूम चल रहा है कि इंटरनेशनल ब्रैकेट से भी कनेक्शन हो सकता है आर्यन का, और उसे इसलिए बाहर आजाद रहने की गलती नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, जो चीजें मिली है, जिस तरह सबूत सामने आए हैं, इस कारण से आर्यन की गिरफ्तारी बड़ी मुश्किल में आर्यन को लेकर एनसीबी को डाल सकती है। तो आप सभी ने देखा आपने कैसे लोगों के रिएक्शंस कई ज्यादा ही तकलीफ दे है, क्योंकि शाहरुख के बेटे अभी गिरफ्तार तो हुए लेकिन उनका मामला वाकई में इस रैकेट से जुड़ा है भी या नहीं, ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ। ऐसे में इस तरह से सोशल मीडिया पर शाहरुख की परवरिश पर सवाल खड़े कर देना, उनकी इमेज को पूरी तरह से खराब कर देना, क्या आपको सही लगता है या फिर वाकई में आप भी है शाहरुख के सपोर्ट में, शाहरुख के स्ट्रगल को आप रिस्पेक्ट देना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। ट्रॉलिंग सेलेब से शो का हम एंड करते हैं, लौटते हैं फिर अगले एपिसोड में आपके बीच। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।